हेलो एवरीवन, टुडे आई एम स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। चैप्टर नंबर 5 इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज सेपरेशन, व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस एंड वेरियस टाइप ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सेपरेशन? सेपरेशन मीन्स रिमूवल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम a mixture of two or more substance. That means in a mixture of two or more substance, so we have to separate substance. The process known as separation. Here you can see the for a example of separation. First is separating stone from rice. That means chawal mein se hum kuch kankad wagera jo hote hain wo hum separate karte hain wo. देन सेकंड इज सेपरेटिंग टी फ्रॉम टी लीव्स। टी लीव्स में से हम टी को सेपरेट करते हैं। और थर्ड इज चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। दैट मीन्स हम चर्निंग के थ्रू मिल्क में से बटर को ऑब्टेन करते हैं। व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस? हियर गिवन सम रीजन, दैट्स व्हाई वी हैव टू सेपरेट सब्सटेंस। फर्स्ट इज to obtain two different but useful components. That means mixture में different different type of substance रहते हैं, so उसमें से हमें useful substance को separate करना है. Then to remove non-useful components. That means non-useful जो substance होते हैं उसको remove करना. Then third is to remove impurities or harmful components. जो हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं और इम्प्योरिटीज जो होते हैं उसको सेपरेट करना मिक्सर में से। एंड फोर्थ इज टू ग्रुप सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट साइज। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू साइज सब्सटेंस आर सेपरेट इनटू ग्रुप। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। हियर यू कैन सी द वेरियस टाइप ऑफ मेथड, हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंडेशन, फिल्टरेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। दिस ऑल आर मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। सो फर्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग। द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय हैंड पिकिंग। सॉलिड सॉलिड मिक्सचर जो होता है उसको सेपरेट करने के लिए हम हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ करते हैं। दिस इज़ ओनली यूजफुल व्हेन द पार्टिकल आर लार्ज इनफ टू बी सीन क्लियरली। दैट मीन्स जो लार्ज पार्टिकल होते हैं, बड़ी बड़ी साइज के जो पार्टिकल होते हैं कि जिसको हम क्लियरली सीन कर सकते हैं, उसको हमें सेपरेट करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ सेपरेशन। For example, separating pebbles from rice or dal. That means rice or dal में से हम जो कंकड़ वगैरह जो होते हैं उसको separate करते हैं। Then separating grass from mint leaves and separating part of a salad. Here you can see the picture of separating by hand picking. Then second is threshing. Threshing is the method that generally used by the farmers to separate the grains from the stalk after harvesting. That means threshing ये जो method है वो generally farmers use करते हैं, वो harvesting के बाद जो उसका जो stalk होता है उसमें से grains को separate करने के लिए वो threshing ये जो method है उसको use करते हैं। The dried stalk are beaten or threshed to separate the grains. ये जो dried stalk जो बचता रहता है उसमें से ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए थ्रेसिंग का यूज़ होता है। हाउएवर इन लार्ज फार्म थ्रेसिंग इज डन बाय यूजिंग थ्रेसिंग मशीन। दैट मीन्स जो बड़े बड़े जो फार्म होते हैं उसमें थ्रेसिंग मशीन के थ्रू थ्रेसिंग करते हैं वो। देन थर्ड इज विनोइंग। कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेट बाय वाइंड और बाय ब्लोइंग एयर कॉल्ड विनोइंग मेथड ऑफ सेपरेशन। दैट मीन्स जो मिक्सर होता है उसको सेपरेट करने के लिए हम वाइंड यानी कि हवा
और हवा को, हवा के थ्रू हम वो जो मिक्सर होता है उसको सेपरेट करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग। इन विनोइंग द मिक्सर इज एलोड बाय एलोड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट। द लाइटन कंपोनेंट्स गेट सेपरेट फ्रॉम अ हैवियर वंस बिकॉज ऑफ वाइंड और एयर बिलो। दैट मीन्स ये वाइंड के थ्रू जो मिक्सर जो होता है उसको हम हाइट से फॉल करते हैं। सो लाइटन जो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हैवियर कंपोनेंट से सेपरेट हो जाते हैं। इट इज़ दिस कॉमन मेथड यूज्ड बाय फार्मर्स। दे स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म एंड एलो द थ्रेस्ड फूड ग्रेन्स टू फॉल स्लोली ऑन ग्राउंड। द वाइंड कैरीज लाइटर हक्स एंड हैवियर ग्रेन ड्रॉप ऑन द ग्राउंड। ये जो विनोइंग की ये जो प्रोसेस होती है वो फार्मर्स यूजुअली कॉमन यूज़ करते हैं उसका। ये कैसे करते हैं? तो ये जो सेपरेट करने वाला जो होता है वो रेज प्लेटफॉर्म पे रहता है और वहाँ से वो जो ग्रेन होता है उसको फॉल स्लोली ऑन द ग्राउंड। इस तरह से वाइंड के थ्रू ये जो ग्राउंड पे जो ग्रेन आ रहा होगा हैवियर ग्रेन वो ग्राउंड पे हो रहा होगा और जो उसमें से वो डस्ट और लाइटर कंपोनेंट जो है वो सारे सेपरेट हो जाएंगे। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ विनोइंग प्रोसेस। देन फोर्थ इज सीविंग। सीविंग इज यूजर टू सेपरेट माइन्यूट पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज पासिंग इट थ्रू अ सीव। दैट मीन्स ये जो डिफरेंट साइज के जो माइन्यूट पार्टिकल जो होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए सीविंग की जो मेथड है उसको हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट साइज सीव आर यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग माइन्यूट पार्टिकल। मिक्सचर में जो माइन्यूट पार्टिकल होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए हम सीविंग का यूज़ करते हैं। सीव इज़ अ डिवाइस कंटेनिंग टाइनी होल्स एंड सेपरेट वांटेड एलिमेंट फ्रॉम अनवांटेड मटेरियल। दैट मीन्स ये जो सीविंग की ये जो प्रोसेस है वो टाइनी होल्स को सेपरेट करती है एंड अनवांटेड एलिमेंट फ्रॉम अनवांटेड मटेरियल जो होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए भी हम उसका यूज़ करते हैं। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सीविंग। एंड देन नेक्स्ट पिक्चर इज पेबल्स एंड स्टोन आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। नेक्स्ट फाइव इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंडेशन। When the heavier component in a mixture settle after water is added to it, the process is called a sedimentation. That means किसी भी मिक्सचर में कोई हैवियर कंपोनेंट है और उसमें हम वाटर को ऐड कर रहे हैं तो ये जो प्रोसेस हुई वो उसको बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस में जैसे कि फॉर एग्जांपल हम राइस का ही एक एग्जांपल ले ले तो राइस को हम कुक करने से पहले उसको हम पानी में भिगोते हैं तो वो पानी राइस और पानी दोनों एक हो जाते हैं। तो पानी में राइस का जो जो छोटा सा कचरा वगैरह होगा वो पानी पानी में आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर इज़ रिमूव द प्रोसेस इज कॉल्ड अ डिकेंडेशन। अब ये जो पानी में सारा कचरा आ गया अब ये पानी को हम रिमूव करते हैं सिंक में डाल देते हैं तो ये जो प्रोसेस हुई और बाउल में सिर्फ चावल ही बचे पानी को हमने रिमूव कर दिया तो ये जो प्रोसेस हुई उसको हम बोलते हैं डिकेंडेशन। दिस इज़ अ क्विक बट रफ मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड अनडिजॉल्व सॉलिड। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंडेशन। नाउ सिक्स इज फिल्टरेशन। सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड एदर बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर और अ स्ट्रेनर। दैट मीन्स ये फिल्टरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें हमें किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड को सेपरेट करना होता है तो हम फिल्टर पेपर और स्ट्रेनर के थ्रू हम उसको सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेपरेटिंग टी फ्रॉम अ टी लीव्स यूजिंग अ स्ट्रेनर। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सेकेंड पिक्चर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेपरेटिंग टी फ्रॉम टी लीव्स यूजिंग अ स्ट्रेनर और सेपरेटिंग
mud from water using a filter paper. And first picture is, you can see filter paper. Then evaporation. Boiling point of a liquid is the minimum temperature at which the liquid began to boil. You know that boiling point of water is 100 degrees Celsius at sea level. You know that पानी का जो boiling point होता है वो sea level में 100 degrees Celsius होता है. After reaching this temperature, if you still heat it, water gradually turn into vapor. अब हम ये जो 100 degrees Celsius जो sea level water का जो boiling point है उससे भी ज़्यादा हम उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको हीट करेंगे हम किसी भी सब्सटेंस को तो उसमें से वेपर आउट होगा. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. एग्जांपल ऑफ इवेपोरेशन, यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया गए हैं मिक्सचर ऑफ सॉल्ट और वाटर का एक एग्जांपल बताया गया है. फर्स्ट पिक्चर में सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन बना के रखा है और उसको सेकंड पिक्चर में वो उसको ज़्यादा टेम्परेचर देके उसमें से वेपर आउट हो रहा है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. देन कंडेंसेशन. कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम द गैस फेज टू द लिक्विड फेज. कंडेंसेशन ये जो प्रोसेस है वो इवेपोरेशन से एंटी प्रोसेस है. लाइक इवेपोरेशन में क्या था कि जो लिक्विड जो होता है लिक्विड सब्सटेंस जो होता है वो इवेपोरेशन की प्रोसेस के बाद वो गैसेस फॉर्म में आ जाता है. एंड कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो गैसेस फॉर्म में जो सब्सटेंस होते हैं वो प्रोसेस कंडेंसेशन के प्रोसेस के बाद वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं. सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड वाटर आफ्टर मेकिंग कॉन्टेक्ट विद द सरफेस ऑफ अ कोल्ड बॉटल. दैट मीन्स यहाँ पे जो वाटर वेपर थी वो बॉटल की सरफेस से कॉन्टेक्ट होके उसमें कंडेंसेशन के प्रोसेस होके वो जो वेपर थी वो लिक्विड फॉर्म में हो गई. एंड सेकंड पिक्चर इज कंडेंसेशन ऑन अ विंडो ड्यूरिंग अ रेन शोवर. जब बारिश होती है तो हमारे घर की ये जो विंडो होती है उसमें हमें कंडेंसेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है. कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस. वाटर डिजॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ अ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट. यहाँ पे बताया गया है कि जो डिफरेंट अमाउंट में जो सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं किसी भी सिचुएशन में. बट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व एंड मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट. बट ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है उसमें क्या होता है उसमें सारे जो सब्सटेंस होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व इजीली नहीं होते. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं वो जो इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में. बट कुछ ऐसे होते हैं सब्सटेंस की जो इजीली डिजॉल्व नहीं होते तो उसको हीट करके डिजॉल्व करना पड़ता है. सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. उसमें ये जो बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया है लेकिन यहाँ पे ये जो कॉपर सल्फेट जो है वो सिर्फ नीचे की तरफ बीकर में नीचे ही रहा है वो पानी वाटर में डिजॉल्व नहीं हुआ. सो यहाँ पे सेडिमेंटेशन की प्रोसेस हुई है. अनडिजॉल्व कॉपर सल्फेट जो है वो बीकर के नीचे रहा है.